सो स्टूडेंट, तो ये आपका लाइव क्विज 2 है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका सिलेबस है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन 1 जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ पर बेस्ड है। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स मोमेंटम। ये तो सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, पी मोमेंटम हो गया। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द टू स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट एज अ हायर डी ब्रोगली वेवलेंथ देन प्रोटोन ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटोन है, ठीक है, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को आपको कंपेयर करना है और इनका जो स्पीड है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि मास पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास जो है वो डिफरेंट होता है। तो आपको पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास कम होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, प्रोटोन का मास ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड ऑफ लाइट हैज अ हायर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो 1 तो हमारा ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए, 1 जो ट्रू है वो एक ऑप्शन में तो गिवन है, अब ऑप्शन बी है उसमें भी जो है कह रहा है कि 1 है, और डी में कहेगा ऑल थ्री स्टेटमेंट। तो इसका मतलब हमें 2 को भी चेक करना है और 3 को भी चेक करना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए क्रिकेट बॉल ट्रेवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर। ये सबसे बड़ा झूठ है यहाँ पे कि क्रिकेट बॉल जो है बेसिकली एक क्या है, मैक्रोस्कोपिक मटेरियल है। तो मैक्रोस्कोपिक मैटर पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ इनसिग्निफिकेंट होती है। ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट होता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है हमारा। तो स्टेटमेंट 2 जब गलत हो गया है तो डी आंसर तो हो ही नहीं सकता है और सी भी आंसर नहीं हो सकता है। सिंस डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक क्रिकेट बॉल इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ, ये फिर एक ही बात कर रहा है जो स्टेटमेंट 2 में कह रहा है वो स्टेटमेंट 3 में ही कह रहा है इसके लिए। तो ये भी हमारा जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। सिर्फ ए ही करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम ए नेगेटिवली चार्ज प्लेट बिकॉज कैथोड रेज इज अ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट नो डिस्कशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। नाउ विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज फॉरबिडेड। तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि एन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एल से बड़ी होती है, ये ध्यान रखना है। ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर एन और एल को लेकर के ही इशू होता है। तो देखिए, यहाँ पे N3 है और L2 है, पॉसिबल है, और N3 है L1 है ये भी पॉसिबल है, L2 है और N0 है ये भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे N भी 1 है और L भी 1 है ये फॉरबिडेड है, ये पॉसिबल नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखते हैं तो एनर्जीज ऑफ 3s, 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है उनका जो एनर्जी ऑर्डर है वो n प्लस l रूल पे डिपेंड करता है। जिसके लिए n और l वैल्यूज का सम हायर होगा उसकी एनर्जी हायर होगी। अच्छा, कुछ ऑर्बिटल के लिए अगर n और l का सम सेम अगर आता है तो जिसका n स्मॉलर होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी। तो यहाँ पे ये वैसे ही कह रहा है कि 3s, 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इंक्रीज इन दैट ऑर्डर। इनकी एनर्जी इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है, मतलब 3s की एनर्जी सबसे कम है और 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा है। देखिए, हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास में आता जाता है उसकी एनर्जी कम होती जाती है, उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो 3s की एनर्जी अगर इन तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर सबसे कम है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड है। तो न्यूक्लियस के क्लोजली प्लेस होने का मतलब है कि इट्स मोर पेनेट्रेटेड इनटू द न्यूक्लियस। बाहर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो रीजन है न्यूक्लियस के बहुत अंदर तक पेनेट्रेटेड है। सो विच फैक्टर कैन दिस ऑर्डर बी एट्रीब्यूटेड, रिलेटिव पेनेट्रेशन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स नियर द न्यूक्लियस इज मेन रीजन फॉर डिफरेंस इन एनर्जी। जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि रिलेटिव एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, नहीं, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो इन तीनों का सेम है, उसके बेसिस पे इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि 1 ओनली हमारा करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये कह रहा है विच स्टेटमेंट कंसर्निंग विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की बात हो रही है, विजिबल लाइट आप जानते हो कि ये विब क्योर जो एक सेवन कलर का एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर जो वेवलेंथ होती है हमारा 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम तक विजिबल लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी इज अ कॉन्स्टेंट फॉर विजिबल लाइट इन अ वैक्यूम। विजिबल लाइट एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एंड इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल एट द सेम स्पीड एंड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सी बाय लेमडा होगा। तो अब आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी और लेमडा का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट होगा वैक्यूम में, वो क्या है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा। तो हमें करेक्ट ढूंढना है, तो ए तो हमारा करेक्ट आ गया, ये सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है, तो आंसर तो आ गया हमारे पास में। बाकी को आप कंपेयर कर सकते हो, एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेज। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। आप जानते हो कि एनर्जी जो होती है वो एच सी बाय लेमडा पे डिपेंडेंट होती है, तो ये वेवलेंथ और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ फोटोन डिक्रीजेज। वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज, इट्स एम्पलीट्यूड ऑल्सो इंक्रीजेज। एम्पलीट्यूड बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बताता है, ठीक है, और इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कोई रिलेशन नहीं है। ग्रीन लाइट हैज अ हायर फ्रिक्वेंसी देन ब्लू लाइट। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारे पास में जो ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट की बात कर रहा है, तो ये ब्लू और ग्रीन आ गया हमारे पास में। ग्रीन की वेवलेंथ हायर है, ठीक है, लेमडा हायर है, तो इसका फ्रिक्वेंसी लोअर होगा। तो ये कह रहा है कि ग्रीन लाइट हैज अ हायर फ्रिक्वेंसी, नो, ग्रीन लाइट हैज अ लोअर फ्रिक्वेंसी देन ब्लू लाइट। नाउ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर इन एन एफ सब लेवल। सब लेवल का मतलब सब शेल की बात होती है। एक सब शेल में जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2L+1 होते हैं। तो एल के लिए, एफ के लिए जो एल वैल्यूज है वो 3 दे रखा है, तो 6+1 दैट इज 7 ऑर्बिटल्स इस सब लेवल में एसोसिएटेड होंगे। नाउ विच गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट कुड हैव एन इलेक्ट्रॉन विद क्वांटम नंबर n=3 एंड l=2। तो यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता लग जाता है कि ये किस सब शेल के अंदर है। तो l=2 इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी एक 3D सब शेल के अंदर है। 3D के अंदर फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करता है 21st एटॉमिक नंबर से। 21st एटॉमिक नंबर, 21st इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3D में एंटर करता है। इससे पहले D के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा एलिमेंट चूज करना जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 होगा। तो यहाँ पे सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, फॉस्फरस 15 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी। आप जैसे अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख करके देख सकते हैं कि ये ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर विच ऑर्बिटल पजेस वन एंगुलर नोड, एक एंगुलर नोड होना चाहिए। तो एंगुलर नोड बेसिकली एजिमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो वन एंगुलर नोड इंडिकेट कर रहा है कि l=2 जो है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये कोई एक np एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, और इसके अंदर जो है वो 1 रेडियल नोड है। तो रेडियल नोड जो होता है वो n-l-1 के इक्वल होता है। तो अब आपको एल की वैल्यू 1 पता लग गई है, तो आप अकॉर्डिंगली एन ढूंढ सकते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो 1=n-1-1, तो इसको आप 1n के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो n के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन कह रहा है कि वन एंगुलर नोड है, तो इसका मतलब ये कोई np एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो अब np में रेडियल नोड तो 0 होता है, 3p में रेडियल नोड 1 हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th में विच गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट हैज एग्जैक्टली 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें चेक करना है। तो यहाँ पे आप इनके एटॉमिक नंबर गिवन है, आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आप चेक कर सकते हैं कि किसके पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखता हूँ, तो जानते हो कि ये आर्गन 3D6 4S2 होता है। तो 3D6 का मतलब है कि यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी टाइप से कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो ये आर्गन 3D7 4S2 हो जाएगा। तो ये जो 3D7 है इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो क्लियरली आपको नज़र आ रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है।
बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आप चेक कर सकते हैं कि कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज दिस मच, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कुड रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोडियम एटम। तो मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारे पास में एल्कली मेटल का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाता है, प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज जीरो, हम ले लेते हैं तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगा इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टेकन टू बी जीरो। अब ये जो हमारे पास में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू गिवन है 495.9 किलो जूल पर मोल गिवन है। अब इसको हम वर्क फंक्शन के साथ अगर इक्वेट करेंगे तो एचसी बाय लेमडा की टर्म्स में ये हमारे पास में आ जाएगा। तो ये वेरियस फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये किलो जूल पर मोल हो गया यहाँ पे। तो अब इसके अंदर हमने ये दे रखा है कि ये 1240 है हमारे पास में, अपॉन लेमडा हम नैनोमीटर के अंदर रखते हैं, ये टर्म जो आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया, अब ये पर इलेक्ट्रॉन हो गया है। अवोगाड्रोज नंबर से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये जो भी हमारे पास में लेमडा आएगा, ठीक है, तो लेमडा नैनोमीटर में आ रहा है, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये जो भी आपका आंसर होगा वो लेमडा इंटू 10^-9 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर आएगा आपका। नाउ इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसीज बिटवीन द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बाल्मर एंड पाश्चन सीरीज। तो ये वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन का जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास में वो 1/λ = RHZ² 1/N1² - 1/N2² यही एक्सप्रेशन होता है। इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइड से C से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास में C/λ आ जाएगा, और C/λ जो है वो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है। तो ये C RHZ² (1/N1² - 1/N2² हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है लाइमन के लिए, बाल्मर के लिए, पाश्चर के लिए, सबके लिए आप ये देख सकते हो लाइमन, ठीक है, बाल्मर एंड पाश्चर सीरीज के लिए जो N1 और N2 की वैल्यूज है वो हम चेक कर सकते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में टर्म है वो तो सभी के अंदर कॉन्स्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो लाइमन की फ्रिक्वेंसी होगी वो सम कॉन्स्टेंट के इंटू फर्स्ट लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, तो N1 1 हो जाएगा लाइमन के लिए और N2 जो होगा फर्स्ट लाइन के लिए 2 हो जाएगा। बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2 होगी और N2 जो है वो 3 हो जाएगा फर्स्ट लाइन के लिए, और पाश्चन के लिए N1 3 होगा और N2 जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये 1/1 - 1/4 आ जाएगा। और बाल्मर की फर्स्ट लाइन के लिए अगर हम देखेंगे तो ये सम कॉन्स्टेंट के इंटू 1/4 - 1/9 आ जाएगा, और पाश्चन के लिए अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्स्टेंट इंटू 1/9 - 1/16। और इसको अब आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिमेनिंग कैलकुलेशंस यू कैन डू। विच सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इज लिस्टेड इन दिस सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ फिलिंग इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो फिलिंग होता है वो N+L रूल के अकॉर्डिंग होता है, जिसका N+L स्मॉलर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा, और N और L का सम अगर सेम आ जाता है तो जिसका N लोअर होगा उसमें पहले फिलअप होगा। तो आप यहाँ पे 3D के लिए, 4P के लिए और 5S के लिए अगर देखेंगे तो ये 3+2 = 5 हो जाता है, ये 4+1 = 5 हो जाता है, और ये 5+0 = 5 हो जाता है। तो सबके लिए एन एल 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 का सम सेम आ रहा है, तो अब यहाँ पे हम कहेंगे जिसका एन लोअर होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। तो ऐसे बाकी के लिए चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी के अंदर अप्रोप्रिएट ऑप्शंस मिल रहा है। विच क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विद शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल? वेरी इजी, एज़ीमथल क्वांटम नंबर
व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए गैस फेज प्लस थ्री आयन ऑफ आयरन. आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 26 के अकॉर्डिंग, ये अभी मैंने आपको बताया था, Ar 3d6 4s2. अब जो इलेक्ट्रॉन फार्देस्ट पोजीशन पे होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, वो आसानी से रिमूव हो सकता है. तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने. तो इसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो ये Fe3 प्लस बन जाएगा. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा वो Ar3d5 हो जाएगा. दो इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो D से बाहर चला जाएगा. तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको नजर आ रहा है ऑप्शन ए के अंदर. नाउ लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज 400 नैनोमीटर. व्हाट कैन बी द वेवलेंथ फॉर हीलियम आयन फॉर सेम ट्रांजिशन. तो ये जो हमारे पास में रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Rhz² 1/(n₁²) - 1/(n₂²). ये टर्म है. तो कोई एक ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर और उस ट्रांजिशन के लिए जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल है वो n₁ है और हायर एनर्जी लेवल n₂ है. और यही ट्रांजिशन जो है हीलियम प्लस आयन के अंदर भी हो रहा होगा. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे RH कांस्टेंट हो गया और ये जो हमारा पूरा फैक्टर है वो भी सारा कांस्टेंट हो गया. तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 बाय लेमडा, ठीक है, ये लेमडा ऑफ हीलियम आयन अपॉन लेमडा ऑफ हाइड्रोजन. तो लेमडा ऑफ हीलियम आयन जो होगा हमारे पास में, हाइड्रोजन जो होगा Rhz² 1/(n₁²) - 1/(n₂²), ये जो है किसके लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, अपॉन Rhz² 1/(n₁²) - 1/(n₂²), ये किसके लिए हो गया, ये हीलियम आयन के लिए हो गया. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर सेम ट्रांजिशन, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है कैंसिल हो जाएगी, Rh जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा. तो अब जो रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है वो हाइड्रोजन का जो जेड है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और हीलियम का जो जेड है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हीलियम प्लस 1 का जो वेवलेंथ होगा वो 1/4 times ऑफ हाइड्रोजन का जो वेवलेंथ है. तो हाइड्रोजन का जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है. तो इसका 1/4 जो होगा, 400 नैनोमीटर का 1/4 जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन सेम ट्रांजिशन फॉर हीलियम के लिए हो जाएगा. दैट इज, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम में आते हैं, सी टाइप के आते हैं. तो एक प्रॉपर आपको अपने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्विज़.